हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो उसमें एक पेमेंट टर्म होती है टीटी। उसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, अगर बायर आपसे डील करता है या आप किसी से डील कर रहे हैं, चाहे आप इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है, और आप लोगों के बीच में बात बनती है टीटी की कि हम टीटी में डील करेंगे, तो टीटी की पहली बात फुल फॉर्म होती है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। जैसे आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड में ये वर्ड है टीटी, जिसे बोला जाता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आपको बायर से एडवांस पेमेंट चाहिए होती है। मतलब ये कि अगर आप बायर से ये बात बोल रहे हैं कि जी मैं टीटी में काम करूंगा, तो इसका मतलब कि भाई देखो, मैं काम तो करना चाहता हूं, आप मुझे 100% पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और जब मेरे अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा तब मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही टीटी का मतलब रहता है। अब इसमें क्या क्या रिस्क है? देखिए, इसमें है ट्रस्ट की बात। बायर क्या आप पे ट्रस्ट करेगा 100% एडवांस देने को? करता भी है। इंटरनेशनल ट्रेड का यह भी एक फायदा है कि आपको एडवांस भी मिल जाता है। अब आपको एडवांस मिल गया, आप उसी के पैसे से अपना बिजनेस शुरू करिए और आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि वो एडवांस तभी देता है जब आप एक अच्छा बिजनेस करते हैं। आपकी कमिटमेंट बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई माल कुछ और दिखा रहे हैं और भेज कुछ और रहे हैं। और एक बात दोस्तों, जो टीटी होता है ना, वो इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता। आप जैसे ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है पैसा, चाहे NEFT है चाहे RTGS है। लगभग RTGS में भी हाफ एन आवर लग जाता है, लेकिन जो टीटी होता है ना, उसमें 3 से लगभग 10 दिन तक का टाइम लग सकता है। अगर बायर ने बोला कि मैंने टीटी ट्रांसफर कर दिया है, तो आप ये जरूर देख लें कि आपके अकाउंट में वो 100% पैसा क्रेडिट हुआ है या नहीं, क्योंकि इतने दिनों का गैप है। चलो उसने तो ट्रांसफर कर दिया लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आया, और आपने माल पहले ही रवाना कर दिया, और इन केस कोई सर्वर डाउन हो गया या कोई टेक्निकल इश्यू हो गया, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले, अगर कोई बायर टीटी कर रहा है, जब तक आपके अकाउंट में पैसा ना आ जाए तब तक नेक्स्ट स्टेप मत उठाइएगा। तो दोस्तों, ये था पेमेंट टर्म टीटी। और भी अगर आपके किसी भी तरीके के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो याद रखिए आपके सामने है करियर गुरु। और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।